कैन बी डन नॉट ओनली ऑन करंट स्पीसीज, मतलब जो अभी है स्पीसीज सिर्फ उसके ऊपर स्टडी नहीं करते, लेकिन जो अमुक साल पहले फॉसिल्स मतलब जो जिंदा थे उनका स्टडी हम करते हैं, बट ऑल्सो ऑन स्पीसीज देट आर नो लॉन्गर अलाइव, बहुत सालों पहले जो मर चुके हैं उनका भी हम स्टडी करते हैं. हाउ डू वी नो दैट दिस एक्सटिंक्ट स्पीसीज एवर एग्जिस्टेड, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये जो अभी नहीं है वो पहले जिंदा थे. वी नो दिस फ्रॉम फाइंडिंग फॉसिल्स, तो उनके फॉसिल्स फाइंड करके मतलब जो उनके अवशेष बाकी रहे हैं उनके ऊपर से हमें पता चलता है. व्हाट आर फॉसिल्स, तो फॉसिल्स क्या है. यूजुअली व्हेन ऑर्गेनिजम्स डाई देयर बॉडीज विल डीकम्पोज एंड लॉस्ट, जनरली जो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं उनकी बॉडीज डीकम्पोज होती है और धीरे धीरे ख़त्म होती जाती हैं. बट एवरी वंस इन अ वाइल द बॉडी और एटलीस्ट सम पार्ट्स मे बी इन एनवायरमेंट दैट डज नॉट लेट इट डीकम्पोज, तो अमुक पार्ट उनके रह जाते हैं, पूरी बॉडी उनकी ख़त्म नहीं हो जाती, डीकम्पोज नहीं होती है. इफ अ डेड इंसेक्ट गेट कॉट इन हॉट मड, अगर डेड इंसेक्ट है वो गर्म मड के अंदर होता है, फॉर एग्जाम्पल इट विल नॉट डीकम्पोज क्विकली, तो गर्म मड के अंदर वो डीकम्पोज जल्दी नहीं होता है. एंड द मेड विल एंड इवेंचुअली हार्डन एंड रिटेन इम्प्रेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट, और बॉडी पार्ट्स के थोड़े इम्प्रेशन रह जाते हैं. ऑल सच प्रिजर्व ट्रेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फॉसिल्स, तो उनकी जो प्रिजर्व निशानियाँ रह जाती है उसको हम बोलते हैं फॉसिल्स, उनका जो पार्ट रह जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, फॉसिल्स बोलेंगे.